आपको बाबू थोड़ा सा टेढ़ा वाला क्वेश्चन कंप्लीकेट करने के लिए सिखाया नहीं जाएगा तो अपने से कहाँ से सीखोगे, है ना। तो टीचर का फर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बाबू कि बता रहे हैं तो उसको एकदम पूरे डिटेल से बता दीजिए। देखो हम यहाँ से क्या करें बाबू, बाई की वैल्यू, बाई को अकेले रखना बस, जो भी बाई के साथ बाबू दोस्त यार है सारे को उधर आ रहे उधर भेजना, जेल भेज देना, राइट साइड भेज देना, उसको अकेला कर देना। अब यही अकेला को करने के लिए बाबू स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो पहले बाबू क्या है, -7/2 बाई है, ये +5/2 बाई प्लस है, तो ये बाबू इसको पूरे लेके जाओ, ऐसा नहीं कि 2 को लेके जाना, गलती हो जाएगा। ये +5/2 है ना बाबू, तो इसको बाबू हम लोग यहाँ पे वेरिएबल रहता तब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या +5/2 है तो इसको पूरे लेके जाओ, तो प्लस पूरे जाएगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, माइनस में, तो -3/2, और ये प्लस उसमें जाएगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, माइनस में, ये प्लस माइनस, राइट साइड भेजो, खाली साइन चेंज होगा बाबू, राइट साइड किसी भी चीज को भेजोगे तो साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन, बस यही करना, ठीक है। -7/2 बाई ये कितना हो जाएंगे, 2 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये इस टाइप आना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आना चाहिए, मैंने एलसीएम में से आना चाहिए, है ना बाबू, फ्रैक्शन का एडिशन आना चाहिए, 2 2 का एलसीएम 2 सर, ये -3 बाबू -5, और नहीं आता बाबू तो 7 बजे 8 बजे तो सिखेबे करेंगे, 7 बजे तो सिखेबे करेंगे, सारा चीज सिखाएंगे। -7/2 बाई -3 -5 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक ठीक सर। अब बाबू देखो यहाँ पे बाबू, अब यहाँ पे हमारे पास दो रास्ता सर, या तो इकट्ठे इसको भेजो बाबू, चाहे एक एक नंबर करके भेजो, है ना बाबू, एक एक नंबर करके भेजो। तो यहाँ से हमारे पास दो रास्ते शैतान, यहाँ से हमारे पास कितने रास्ते बाबू, दो रास्ते, जो इच्छा वो पसंद करो, है ना बाबू। यहाँ से बाबू हमारे पास दो रास्ते सर, दो रास्ते, बार बार नहीं लिखेंगे। पहला क्या है सर, -7/2 बाई बाबू इक्वल टू -8/2 है, और -7/2 बाई है इक्वल टू क्या है, -8/2 बाई। आप लोग 5 6 में यहाँ 8 वाले स्टूडेंट को क्वेश्चन दो ना तो नहीं बना पाएगा, ऐसा स्थिति है बाबू एजुकेशन का, स्कूल का, ठीक है। अब यहाँ से बाबू हम चाहते सर इसको एक एक करके भेजो, तो 2 को इधर भेजो, तो 2 को इधर भेजेंगे बाबू, तो 2 यहाँ क्या मल्टी डिवीजन में, 2 क्या डिवीजन में, तो राइट साइड जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ से 2 चल गया मतलब 2 हट गया बाबू, तो -7/2 -8/2, और 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक। 2 को बाबू 2 यहाँ क्या सर डिवीजन में, तो इसको राइट साइड भेजो तो मल्टीप्लिकेशन में होगा, ठीक ठीक बाबू। तो बाबू देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 2 सर, न्यूमिनेटर में 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो -7/2 बाबू कितना हो जाएगा सर, -8 हो जाएगा। अभी 7/2 क्या है सर, बाई के साथ साथ क्या मल्टीप्लाई है, बाई के साथ 7 क्या मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर भेजोगे तो डिवीजन में आ जाएगा, इसको इधर भेजोगे बाबू, इसको इधर भेजोगे तो डिवीजन में आ जाएगा, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और ये -7 आ जाएगा, -7 डिवीजन में आ जाएगा, तो -7 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 8/7 आ गया, 8/7 आ गया, है ना। यहाँ हमने क्या किया, एक एक नंबर करके भेजा। अब हमको मन कर रहा है सर, मन कर रहा है बाबू कि हम बाबू क्या करें, ये दोनों को भेज दें, क्या करें बाबू, ये दोनों को भेज दें उधर, तो भेजो, तो दोनों को भेजो बाबू, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो बाई बराबर -8/2, और 7/2 यहाँ मल्टीप्लाई बाबू, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -7/2, ठीक। अब यहाँ पे बाबू जब इसको सोल्व करते तो रिवर्स हो जाता है, इस टाइप के सोल्यूशन जानते हो बाबू आकांक्षा की, नहीं जानते हो इसको, जानते हो मिस्टेक ए बाय बी बी सी बाय डी का इसका, नो सर। अच्छा ठीक है, बताएंगे बाबू 7 बजे तो बताइए करेंगे, तो आप इसमें देखो अगर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बाबू, राइट डाउन करो, माइनस कैंसिल हो गया और 2 2 कैंसिल हो गया, तो 8/7 आ जाएगा। हाँ बाबू, यहाँ बाबू इसको हम अभी सोल्व कर रहे हैं, कर यहाँ स्पेस नहीं बाबू, यहाँ पे स्पेस नहीं, तो इसको राइट डाउन करो सीता, और ये दिस वन इज द बाबू 7 है, 8/7 है सर। हम लोग दोनों रास्ता लिखेंगे। हाँ शैतान, जैसे लिख रहा दोनों रास्ता लिखना है सर। मैंने इसे बना लिया है सेकंड मेथड से, फर्स्ट मेथड लिख लूं? हाँ बाबू लिख लीजिए बाबू, हर एक रास्ता आना चाहिए बाबू, तब आप लोग तेज कहलाओगे, एक के मेथड मत रटो, जैसे बाबू जैसे लिखा हो इस तरह से आप लिखो, समझी अदित्री? अदित्री यस सर, यस सर। प्रखर बाबू समझी कि नहीं समझे प्रखर? यस सर समझी। तो समझी, तो होमवर्क इतना भी तो तेज बुखार नहीं है बाबू कि आपको होमवर्क 3 गो नहीं बनता।
हाँ बाबू पूछ लेंगे बाबू, इसमें देर थोड़ी करेंगे। सर मेरा 4 बजे तक एग्जाम ही चलते रहा सर, इसीलिए मैं नहीं बना। अच्छा ठीक, तो अभी बुखार बोली बाबू, फिर एग्जाम बोली, कौन सा बात सही है, एग्जाम वाला सही है कि बुखार वाला सही है? टाइम पर आपको एग्जाम भी है सर, और उसके बाद बुखार लग गया। चलिए अच्छी बात, समझ में आता है मिष्टी? यस सर। हाँ बाबू, तो ये मन तन से पढ़ना बाबू, है ना, एक दो महीना पढ़ो तेज हो जाना स्कूल में सबसे आगे। कल तो ये सबका आंसर बता रही थी सर, जितना होमवर्क मिला था सबका, किसका इतना आता है, इसका इतना आता है, तो बनाई। मिष्टी का आंसर बता रही थी कल, मिष्टी आई थोड़ी थी? नो सर, ऋषिता बता रही थी सर। अरे तो बोली नहीं कि हमको बुखार लगल था, प्लस भाई ये भी था बाबू एग्जाम भी है इसके कारण नहीं बनाए। लिख लिया मिश्रा जी? यस सर। हाँ बाबू चलो अच्छी बात है, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते बाबू, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करो, इसके नीचे लिखोगे यहाँ से बाबू? सर 8/2 होगा। 8/7 आएगा सीधा, माइनस 8/2 क्या बाबू? 8/7 होगा। हाँ अब यहाँ से बाबू देखो, माइनस 8/2 और इसको बाबू ऊपर भेजेंगे, ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाते, ये दोनों है ना बाबू, तो इसको जब ऊपर भेजेंगे ना बाबू तो ये नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाता है, ये 2 ऊपर जाता है बाबू और 7 नीचे आ जाता है। कर ले सर, कर लीजिए, तो -8/-7 माइनस माइनस कैंसिल होगा। हाँ बाबू माइनस माइनस कैंसिल होगा, समझी संजना? Yes, चलो अच्छी बात है, इसके इसके बाद बाबू यहाँ पे लिखिएगा, थोड़ा सा बाबू लेवल का क्वेश्चन बढ़ाते हैं ना, लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, नहीं तो आप लोग बच्चा वाला कितना करोगे? एक्स बाई टू बाबू माइनस बाबू 1/5 इक्वल टू क्या सर? एक्स बाई थ्री बाबू प्लस 1/4 दिया हुआ, थोड़ा सा दिमाग यूज करके बनाओगे, बनाओगे कंचा मिस्टी? यस सर बनाएंगे, सर बनाएंगे। यस सर बनाइए, तो देखिए तो दिमाग यूज कीजिए, तो फिटिंग तो नहीं है बाबू। तो ये लाइव होम ट्यूशन है बाबू, बहुत इसके एडवांटेज है, हर एक क्लास का रिकॉर्डेड सर, संडे को टेस्ट सर, अटेंडेंस का प्राइज, टेस्ट का प्राइज, स्कूल वाला इतना कोई नहीं करता, 5 रुपया तो आपको दबे नहीं करेगा स्कूल वालों बाबू, जहां तक आप लोग से लूटेंगे, मिसलेनियस चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज, 75 को तो चार्ज लेते हैं। यहाँ हमारा बहुत सारा स्टूडेंट है जो फ्री में पढ़ता है, प्राइज ले लेता है। आया शर्मा कितना आया बाबू? ओम शर्मा, जन्मी शर्मा कितना आया? चलिए समझाते हैं बाबू, आप लोग बनाओगे तो बनाते रह जाओगे, समझ में आता प्रधान, अमरजीत प्रधान? हाँ सर, हाँ सर समझ में आता है। तो आपका स्कूल अभी खुलवे नहीं किया है? सर बोल रहे हैं दिवाली के बाद, वो भी गारंटी नहीं है खुलेगा। आप ही लोग के साइड से हम फेमस होंगे बाबू, आप लोग के बच्चे उधर पढ़ने में एकदम बौधा रहता, 7-8 तक चल जाता, कुछ जानता ही नहीं। अब हमारी जानवी दास देखो, जिस रफ्तार से मेहनत करे, इस रफ्तार से पढ़ेगी तो आराम से नाम रोशन हो जाएगा एकदम। आदित्य तो खाली ये फूल रही है, इसको तो आके पीटेंगे, मैंने आया ना तो ये बोल दी मेरा तबीयत खराब, ये तो उसी समय आते हैं।
अभी तो इसका तबीयत भी खराब रहेगा ना, फिर भी इसको पीटेंगे। आदित्य वीडियो काहे बंद कर लेती है बाबू? सर मेरा आंसर आ गया सर, 20 मेरा आंसर है 2.7। बहुत फ्रैक्शन में ही लिखना, ठीक है 2.7 ठीक है सर, 27/10। हाँ ठीक है चलो सही है बाबू। दो हाँ बाबू, दो मेथड से बनाएंगे इसको दो। हाँ बाबू सही है। इसको बाबू दो मेथड से सोल्व करेंगे है ना, दो मेथड से सोल्व करेंगे बाबू है ना, जितना भी मेथड पॉसिबल हो सारे बताएंगे, कुछ ना छोड़ेंगे है ना। पहले बाबू जो हम लोग करते आ रहे थे उसी को सोल्व करते, उसी मेथड से सोल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो वेरिएबल है ना उसको एक साथ रखो, मतलब जो वेरिएबल है उसको एक साथ रखो, एक साइड रखो, और जो बाबू कॉन्स्टेंट टर्म है नंबर वाला जिसमें एक्स वाई जेड नहीं उसको एक साइड करो। तो ये एक्स है सर, तो इसको इधर लेके आओ, ये एक्स है बाबू, एक्स वाले को राइट साइड रखने की कोशिश, लेफ्ट हैंड साइड रखने की कोशिश करना, और ये कोटा पांच बाबू तो इसको इधर लेके जाने की कोशिश करो, बस यही यही नौटंकी करना है। एक्स वाले को एक साथ करो और कॉन्स्टेंट वालों को एक साइड करो। मेरा आंसर आ गया, अच्छी बात है। आंसर आएगा x इक्वल 27/10। हाँ बाबू यहाँ x बाई टू हो गया। अब इस x बाई थ्री को पकड़ के इधर लाओ, राइट लेफ्ट हैंड साइड लाओ, तो इसके आगे नहीं कुछ है तो क्या प्लस है, किसी भी नंबर का आगे नहीं कुछ है तो प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स बाई थ्री प्लस वो इधर आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या सर 1/4 है बाबू राइट हैंड साइड में, ये 1/4 हो गया। ठीक, अरे माइनस है बाबू, तो इसको पकड़ के इधर लेके जाओ, राइट साइड लेके जाओ, तो -1/5 राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/5, माइनस बाबू राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर इतना बात समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। उसके बाद बाबू ये सिंपल सा बाबू, इसके बाद सिंपल सा क्या बाबू, इसको ये सोल्व करो, फ्रैक्शन का एडिशन है तो 2 3 का एलसीएम ले लो सर, 6 हो गया। ठीक, 2 3 जा कितना होगा बाबू, 6 को 2 से डिवाइड करो 3 आएंगे, तो 3 लिख लिया, यहाँ x से बाबू x से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 है बाबू। इस टाइप का बाबू एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम अलजेब्रा में पढ़ा चुके हैं ना, पढ़ा चुके हैं, तो आपको जो भी पढ़ा है एकदम सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ा। ठीक, 6 है बाबू 3 है तो क्या आएगा, माइनस बाबू 2 आ जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करो ना 2 आएगा, जो न्यूमरेटर में उसको लिख दो। यहाँ बाबू 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा। तो 1/4 का इसको सोल्व करो बाबू, तो ये कितना 5 आ जाएगा प्लस बाबू 4 5 को और 20 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 3x - 2x इधर लिखते हैं सीता, 3x - 2x कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। अरे 3 रुपया में 2 रुपया घटा दो ना तो 1 रुपया बचेगा, तो 1 रुपया में 1 आई 6 है सर, डिवाइड बाय 6 है तो 6 देंगे बाबू। इधर 5 + 4 9 हो गया बाबू, 9/20। अब ये 6 किस में बाबू, डिवीजन में है ये 6 बाबू, अरे ये लाइन डिवीजन है, तो इधर जाएगा उछल के तो मल्टीप्लिकेशन में होगा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो x बराबर 9/20 इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन 6। अब इसमें बाबू कैंसिल आउट करने आना चाहिए आपको, कैंसिल आउट कर क्या क्या कॉमन है सर, 10 और वहां पे 3, 9/20 और मल्टीप्लाई 6, तो 6 को हम लोग 2 × 3 नहीं लिख सकते सर, 6 को हम लोग क्या लिख सकते सर, 2 × 3, और 20 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 2 × 10, तो 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, x बराबर 20 से 9 3 = 27 और 10 हो गया, तो x बराबर इतना आ गया है ना। ठीक बाबू, ये हो गया फर्स्ट मेथड, समझ में आया कंचा कि नहीं आता बाबू, कंचा भाग गई, देखो भागी कौन, ओम शर्मा भागा होगा, ओम शर्मा वही भागवे करता है। चलो ठीक, दो मेथड है। हाँ बाबू एक मेथड और, एक सेकंड मेथड से बताते हैं, सेकंड मेथड से बताते हैं, जो इच्छा जो पसंद बाबू उसको यूज करो। हम आपके सामने बाबू मार्केट में कैसे जाते, तो जो जो कपड़ा है बहुत सारे कपड़े रख दिए जाएंगे, जो इच्छा वो लीजिए, हम आपको हर एक मेथड बताएंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ सर, x बाय 2 दिया बाबू, -1/5, पहले समझो, नहीं लिखने देंगे हम, जान कैसे खड़ा रहेंगे, लिखो कैसे लिखती हो, पहले समझा रहे हैं बाबू, समझिए, समझ जाइएगा अपने से बना लीजिएगा। x बाय 3 बाबू और +1/4 सर, दोनों मेथड नोट करना है। हाँ बाबू, बोर्ड पे जो लिखेंगे सब मेथड यूज कर नोट करना, ठीक है ना, एक को नहीं छोड़ना, हम इतना मेहनत से पढ़ाते हैं किसके लिए, आप ही के लिए ना बाबू, हमको नहीं शौक है कि एक मेथड लगा के छोड़ के स्कूल की तरह बाबू आगे निकल जाए, अब बोल दे चैप्टर खत्म हो गया,
देखो सिद्धांत क्या करेंगे, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, वो 2, 5, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे सिद्धांत, एलसीएम ले लेंगे, बता दो तो आकांक्षा, एलसीएम ले लेंगे 2, 5, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा, बताओ तो मिस्टी आकांक्षा, दोनों को बता दो बाबू। सर बताएं सर कितना होगा, नहीं यार बताओ आकांक्षा मिस्टी, दोनों को बताने देना, थोड़ा नया है ना बाबू, देखते आता कि नहीं आता एलसीएम। आकांक्षा देखो हमारे सारे स्टूडेंट बता देंगे बाबू, किसी से पूछेंगे बता देगा। सर मुझे आपका स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है। अरे शैतान का हो गया, कितना होगा मिस्टी, आप बताओ प्रखर, प्रखर सर 60 होगा सर, 60 सर एंटर 60। हाँ बाबू कितना होगा, 60 होगा, नहीं एलसीएम आता मिस्टी, 0 सर आता है, मैं 4 है और मैंने सबको मल्टीप्लाई कर, जैसे जब नहीं करते हैं सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का ध्यान ही नहीं दी। अरे बाबू तो यही गलती होती है बाबू, नहीं ध्यान दोगे ऑप्शन तो मौजूद रहेंगे। और चल गई आकांक्षा, आकांक्षा क्या बाबू, सर मोबाइल का चार्ज लो हो रहा है तो नहीं चल रहा है। अरे शैतान, तो खाना खिला के उसको नहीं रखी बाबू। सर ठीक है बाबू, वीडियो देखिएगा बाबू क्या कर सकते हैं, 60 हो गया तो एलसीएम जो आएगा बाबू सारे को बाबू न्यूमरेटर में 60 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी एलसीएम आएगा सर सारे में 60 से मल्टीप्लाई कर देना। तो मेरा क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन क्या है सर, x बाई 2 माइनस बाबू 1/5 बराबर बाबू x/3 और प्लस बाबू 1/4। तो जो एलसीएम आया सर, जो एलसीएम सारे में बाबू ऊपर में 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है सारे में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है सारे में क्या करो बाबू मल्टीप्लाई कर दो, है ना मल्टीप्लाई कर दो, क्यों कर रहे हैं सर, देखो ना रास्ता आसान हो जाएगा, एक्स बाई 2 माइनस, ठीक है x बाई 2 बाबू तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, हर एक टर्म में यहाँ 1/5 बाबू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू 60 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, यहाँ x बाई 3 बाबू किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, यहाँ 1/4 बाबू किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, जो एलसीएम आएगा सारे को मल्टीप्लाई कर देना, ये भी बाबू मेथड आसान ही है। अब बाबू इसको कैंसिल आउट करो, तो 2 से 60 कितने टाइम में जाएंगे बाबू, 2 से 60 30 टाइम में जाएंगे, 5 से 60 कितने बाबू 12 टाइम में, 3 से 16 बाबू कितना 20 टाइम में, अब 4 से 16 बाबू 15 टाइम में, ये क्या हो गया 30x हो गया, माइनस बाबू माइनस दो, ये 12 बचा, 1 × 12 कितना 12 बचा, 20x हो गया और 1 × 15 हो गया, ठीक। अब x वाले को एक साथ और नंबर वाले को एक साथ, तो 20x को इधर लाओ सर, ये भी उतारेंगे, हाँ शैतान ये 30x इधर आएगा बाबू तो क्या हो जाएगा −20x, ये माइनस बाबू उधर लेके जाओ तो 15 बाबू अब प्लस 12 बाबू, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 30x − 20x 10x हो जाएगा। तो जब भी वो फ्रैक्शन वाले रहेंगे बाबू तो उसमें एलसीएम लेके भी आप सिंपलीफाई कर सकते हो, आपको इसमें क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, राइट डाउन करो फिर इसको हम कर रहे हैं, समझी मिस्टी, यस सर, अदित्री समझी बाबू, अदित्री यस, मिस्टी सही भी बोलती है बाबू की, खाली यस सर जानती बोलने के लिए, नो सर हमारे यहाँ हमारे यहाँ बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं बाबू, सर झूठ नहीं बोल रही हूँ सच में, क्या हुआ कौन थोड़ा सा समझ में आया प्रधान सर, साइड लिख रहा हूँ सर, मेरा जल्दी लिख, सेकंड मेथड का भी सेम आंसर आया, अरे शैतान मैं दादी घर बाबू आप नाती एरोप्लेन से जाओ बैलगाड़ी से जाओ चाहे टमटा कुछ हो से जाओ पहुंचेगा दादी ये घर ना,
ई मेथड से सोल्व करें चाहे ई मेथड से, एरोप्लेन से जाने पे पहले पहुंचेंगे और बैलगाड़ी से जाने से लेट पे पहुंचेंगे। अरे शैतान तो इसलिए सेकंड वाला प्रोसेस जल्दी बन जाएगा, पहुंचेंगे तो दादी। हाँ सर पहुंचेंगे दादी घर, लेकिन बैलगाड़ी से जाने पे लेट से पहुंचेंगे सर। वैसे ही सेकंड मेथड से जल्दी बना लेगा और फर्स्ट मेथड लेट होगा बनाने। अरे शैतान हम ये कहना चाह रहे बाबू, कोई भी मेथड से बनाए बाबू, आंसर सेम है। हम ये कह रहे हैं यस सर। लिख ली जानवी दास, जानवी यस सर लिख लिए, लिख लिए, चलो अच्छी बात है। तो बाबू देखो स्कूल वगैरह में क्या अल्जेब्रा जब पढ़ेगा ना लीनियर इक्वेशन, तो बच्चा वाला करा के छोड़ दिया जाएगा, x + 5 = 2 तो x बराबर ही आई ऐसे नहीं करवाया जाएगा। अब दो मेथड तो दर्शन नहीं देगा बाबू, झूठ मूठेगा वैसे करके छोड़ दिया जाएगा। और यहाँ मेरा क्या बाबू, जो भी मेथड है सब आपको बताएंगे, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और हर एक चीज बताएंगे, एक को ना छोड़ेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सॉलिड नॉलेज होगा। तब ना स्कूल में देखते नहीं बाबू 60-70 स्टूडेंट रहता, मुश्किल से 2-4 पढ़ने वाला रहता। अब बाकी सब आए राम झोला लेके आए राम, झोला लेके गए राम, बाकी सब थैला ढोने वाला ही रहता बाबू। यस सर, हमारे यहाँ 10 स्टूडेंट है लेकिन 10 पढ़ने वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ प्रॉपर गाइडेंस होता है, पेरेंट्स के यहाँ फोन होगा। आज प्रखर की मम्मी बात कर रही थी, पूरा एकदम धर के कम्प्लेन कर ली थी, बोल तो रहे थे कि आइए सर इसको पहले पीटिए प्रखर को, देखते हैं रक्सोल कब जाते हैं बाबू। यहाँ से थोड़ा सा और इसको सिंपलीफाई करें बाबू, सिंपलीफाई करें थोड़ा सा। 10 - 20 कितना होगा सर, कितना है 30x बाबू माइनस 20x, 10x = 27। हाँ और ये बाबू कितना, 50 + 12 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 10x = 27 27/10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गया, ये आपका वैल्यू आ गया। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर कितना था बाबू, कितना था ये बाबू, 21 होगा, इसको बना, हाँ इसको बना के लाया तो x + 7 बाबू माइनस बाबू 8x / 3। ये सब बाबू थर्ड क्लास का क्वेश्चन सर, डीआईवाई है सर, सर डीआईवाई है। हाँ बाबू 17/6 बाबू माइनस बाबू 5x / 8 है, एक्स प्लस 7 बाबू माइनस 8x / 3 17/6 बाबू माइनस 5x / 8 इतना। यहाँ जो x का आंसर आएगा बाबू, ताकि आप लोग बनाओ बाबू तो समझ में आ जाए, x बराबर 4 आएगा आंसर जो आएगा, शैतान x बराबर 4 आएगा। बना के सॉल्व करना, दोनों मेथड से बनाना बाबू, दोनों मेथड से बनाना ताकि आपको हैबिट हो जाए। दो ही क्वेश्चन देंगे, ज्यादा हम नहीं देते हैं सर, 4 हो जाएगा इसका। अच्छा बाबू इसका एक और है बाबू, एक और है 3t - 2 है शैतान, ये t है, डरना नहीं है, t है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। 3t - 2 बाबू अपॉन 2/4 बाबू, और क्या दिया माइनस बाबू, ये 2t + 3 देखना तो बनता है कि नहीं बनता है। थ्री टी माइनस 2 बाबू अपॉन 4 बाबू माइनस बाबू 2t + 3/3 बाबू 2/3t है। यहाँ जो t का वैल्यू आएगा शैतान, आंसर जो आएगा, सानवी नहीं ना आई है, t बराबर जो आएगा बाबू कितना आता है, t बराबर 2 आता है, ये आपका आंसर है। बन जाएगा मिस्टी, कि डर लग रहा बाबू? नो सर बन जाएगा, अभी इतना समझाया तो जरूर बन जाएगा। टी है कंटिन्यू, हाँ टी है, दिस इज द बाबू टी है, टी है, टी है। मन तन से पढ़ना बाबू, स्कूल कदम पीछा कर देना। आप 6 में ना हो मिस्टी कि 5 में बाबू? नो सर 6 में हूँ, 6 में हो ना, तो ये सब बाबू 7 वाले स्टूडेंट के देना। आपके स्कूल में बैचमेंट में शायद कोई बना पाए बाबू, है ना?
सेवन वाले को देना, एट वाले को देना, वो सब विभाग आपका आगे सरेंडर बोल देंगे। हमको पता नहीं बाबा स्कूल में क्या पढ़ाया जाता नहीं पढ़ाया जाता, हम दूर के थोड़ी है, वही पे है ना मिस्टेक। आपको भी पता है मिस्टेक क्या पढ़ी हो छह साल में,